हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, सॉरी काफ़ी देर बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली अब से मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करूँगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है आपकी कार के एसी फिल्टर को कैसे क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि आप कार की सर्विसिंग में अराउंड 3 to 4,000 रुपीज़ बचा सकते हैं। कैसे? सो आप एसी फिल्टर को घर पे इजीली क्लीन कर सकते हैं, बिकॉज इसमें ऑयलिंग नहीं होती। जो हमारा कार का इंजन का एयर फिल्टर होता है, उसमें ऑयलिंग होती है, ऑयल लगा होता है उसके एयर फिल्टर में, जो कि डस्ट को अच्छे तरीके से ट्रैप करता है, बिकॉज वो उसने ज़्यादा एयर सक करनी होती है एज़ कम्पेयर टू दिस, बिकॉज ये हमारे कैबिन में होता है और वो हमारे इंजन को एयर देता है। इसलिए जो इंजन कैबिन का एसी फिल्टर होता है, कैबिन फिल्टर जिसे हम कहते हैं, वो इजीली हम क्लीन कर सकते हैं बाय द सॉप वाटर। तो फ्रेंड्स, एयर फिल्टर खोलने के लिए एसी का हमें ग्लव बॉक्स खोलना पड़ेगा। मोस्टली कार्स में यहीं पर प्लेस होती है। ये देखिए, ये एयर फिल्टर की हाउसिंग है, इसको ओपन करोगे, ये हमारा एयर फिल्टर है। ये देखिए कितना गंदा हुआ पड़ा है। आज मैं इसको क्लीन करके आपको बताऊंगा इसे कैसे क्लीन करते हैं। इसे क्लीन करने के बाद दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हम जो कार का एयर फिल्टर है ना, इंजन एयर फिल्टर, वो नहीं हम क्लीन करके दोबारा यूज़ कर सकते, बिकॉज उसमें ऑयलिंग होती है। जो ऑयल उसमें लगा होता है ना, वो डस्ट को ट्रैप करता है। बट ये सिंपल है इसकी मतलब टेक्नोलॉजी, इसलिए ये हम सोप वाटर से क्लीन करके यूज़ कर सकते हैं दोबारा, या फिर ये वाली पोजीशन पर होता है कई कार्स का, यहाँ से निकालना होता है। बट ये मोस्टली मारुति सुजुकी की कार्स और मोस्टली इंडियन कार्स में यहाँ पर ही होता है प्लेस। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे क्लीन करते हैं। मैं एक बार दिखा दूँ। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये कितना गंदा है। चलिए अब हम इसे क्लीन करते हैं, मैं आफ्टर एंड बिफोर रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा बाद में। सो फ्रेंड्स, ये हमारा रहा एयर फिल्टर, और ये है हमारा, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी लिया है जो, और इसमें लिक्विड सोप डाल लिया है अराउंड 3 to 4 पंप्स, और इसे अच्छी तरीके से ऐसे शेक कर लेंगे। जब ये शेक होगा, इसकी फोम बनेगी, फोम अच्छी तरह क्लेंजिंग करेगी इसकी। ऐसे हम इसमें डालना शुरू करेंगे, तब तक डालेंगे फ्रेंड्स जब तक ये भरता नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है, इसे ऐसे ऐसे अच्छे तरीके से रब कर लेना, जिससे कि डस्ट पार्टिकल्स इजीली उतर सके और ये क्लीन हो सके। ये देखिए, दूसरी साइड से भी ऐसे करेंगे। ये आप फ्रेंड चिंता मत करना, ये डैमेज नहीं होगा, ऐसे डैमेज नहीं होता कोई भी। मैंने अराउंड इसको 3-4 बार धो के यूज़ कर लिया है। ये मैंने अराउंड 4th टाइम इसको क्लीन किया है। आप इजीली क्लीन करके अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं, बिकॉज इसमें ऑयल नहीं होता। जो इंजन का एयर फिल्टर होता है, उसे नहीं हमें ऐसे क्लीन करके यूज़ करना, बिकॉज उसमें ऑयल होता है, ऑयल जो कि डस्ट को ट्रैप करता है, और इसे हम हर 10,000 किलोमीटर्स या 5,000 किलोमीटर्स पे धो के यूज़ कर सकते हैं इजीली। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसे अराउंड ऐसे ही मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगा कि इसका क्लेंजिंग एक्शन अच्छे तरीके से हो सके। सो मैं 20 मिनट बाद आपको मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, आफ्टर मैं 15 मिनट्स आया हूँ, इसने अपना क्लेंजिंग एक्शन अच्छे तरीके से कर दिया है। अभी ये देख सकते हैं अंदर से कलर चेंज होना शुरू हो गया, जब भी हम इसे पानी के नीचे करेंगे और ये क्लीन हो जाएगा प्रॉपर। ये मैंने टैप छोड़ी, ऐसे हम यूज़ करेंगे। ये देखिए, क्लीन होना शुरू हो गया, ये देख सकते हैं, मतलब कि ये प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाएगा। ऐसे करेंगे क्लीन, इसको प्रॉपर तरीके से इसे सोप बाहर निकालना है, हमें अच्छी तरीके से इसे रिंस करना है विद प्लेंटी ऑफ वाटर। ऐसे हम इसे, मैं अगर आप अकेले कर रहे हो, आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी हम इसे ड्राई करने के लिए रख देंगे। जैसे कि आज मैं शाम को मैंने धोया इसे, और कल सुबह तक ये सूख जाएगा कम्प्लीटली। ये देख सकते हैं अंदर से साफ़ हो गया। ये देखिए आफ्टर ड्राइंग।
काफ़ी साफ़ हो चुका है आगे से, अंदर से भी दिखा देता हूँ लाइट ऑन करके, अंदर से भी क्लीन हो गया है। ये मेरा अराउंड 10,000 किलोमीटर्स और चल जाएगा, अराउंड 6 मंथ्स और चलेगा या फिर 1 ईयर, उसके बाद मैं इसको नया डाल दूँगा। ये देखिए मैं आपको दोबारा फिट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर फिट होगा, ऐसे होता है, अगर चेंज भी करना है तो ऐसे ही होगा चेंज। ये इसका आगे कवर होता है, और ये हमारा फिट हो गया एयर फिल्टर एसी वाला, और ये भी ऐसे बस। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।